घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या अल्लू अर्जुन और रश्मिका साथ में पहली बार देखे जाएंगे ऑन स्क्रीन? कितना है पुष्पा का बजट? क्या पुष्पा देगी इंडियन सिनेमा को एक और ब्लॉकबस्टर हिट? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीक्रैप स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर जो सनसनी फैली हुई है उसे शायद ही कोई बेखबर होगा। कोरोना वायरस सेकेंड वेव के चलते या कभी रेनफॉल के कारण पुष्पा मूवी की शूटिंग सस्पेंड हो ही जाती है, जिससे शूटिंग को उसके निर्धारित समय तक पूरा करना शायद पॉसिबल ना हो पाए और फिल्म की रिलीज डेट आगे पोस्टपोन करनी पड़ जाए। अल्लू अर्जुन इस बीच नए प्रोजेक्ट आइकन फिल्म की शूटिंग में भी हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो हम पुष्पा मूवी को दिसंबर एंड तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फिल्म अपने निर्धारित डेट पर रिलीज होती है तो बॉलीवुड सिनेमा और तेलुगु सिनेमा की जबरदस्त टक्कर दर्शकों को देखने को मिलेगी। जॉन अब्राहम की अटैक, जिसको लक्ष्य राज आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, जो कि एक एक्शन फिल्म है, उसी को 13 अगस्त को भी रिलीज किया जाने वाला है। हालांकि इन दोनों फिल्मों में ऐसी कोई भी खास समानता तो नहीं है, पर बिंज वॉचर्स को कौन सी फिल्म ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर पुष्पा मूवी के बजट के बारे में बात करें तो इसका बजट बाकी कई ब्लॉकबस्टर हिट्स जैसे कि पद्मावत, बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से कई ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बजट के मामले में तो ये मूवी कई ब्लॉकबस्टर हिट से पहले ही आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कई बार देखने को मिला है कि मूवी का बजट काफी कम होता है और वो फिर भी लोगों के दिलों में राज करने लगती है। इसका टीजर अपने सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़ ही चुका है। इस फिल्म के विलन फहद फासिल, जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो कि अपने काम से जाने जाते हैं और मलयाली सुपरस्टार है, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट लीड दिखाई देने वाले हैं। ये नाम उनकी हाल ही में 15 जुलाई को प्राइम पर रिलीज हुई मालिक मूवी के लिए सुर्खियों में है। लोगों ने इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है और साथ ही में पुष्पा को लेकर एक्साइटमेंट भी जाहिर की है। तेलुगु सिनेमा में इनकी पहली पेशकश होगी। इनकी उम्दा एक्टिंग स्किल्स को कोई टाइटल तो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। फैंस इस चीज को लेकर सुपर एक्साइटेड है कि एक साथ दो अलग अलग इंडस्ट्री के सुपरस्टार का मेल जब स्क्रीन पर उतारा जाएगा तब माहौल खूब जबरदस्त होगा। अल्लू अर्जुन और सुकुमार तो पहले भी एक बार साथ मिलकर दर्शकों के लिए एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मूवी जैसे आर्य और आर्य 2 पर काम कर चुके हैं। ये इन दोनों का तीसरा प्रोजेक्ट है, लेकिन रश्मिका मंदाना और फहद फासिल और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन, इन तीनों का ट्रियो पहली बार साथ में स्क्रीन पर देखने को मिलने वाला है, जिसमें रश्मिका अल्लू अर्जुन की लव बेटी के किरदार में इस मूवी में देखने को मिलेगी और ये इनकी पहली स्क्रीनिंग होगी साथ में। बता दें कि फहद फासिल ने कहा कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं डायरेक्टर सुकुमार के साथ काम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो काफी पहले से सुकुमार का वर्क एडमायर करते हैं और फाइनली उनको मौका भी मिला है उनके साथ काम करने का। सुकुमार का वर्क उनको हमेशा से ही कुछ अलग सा और इंटरेस्टिंग लगता आया है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश भी है। रश्मिका की बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है और रश्मिका इस मूवी में पहली बार अल्लू अर्जुन के साथ फीमेल मेन लीड के रोल में नजर आने वाली है। ये जानकर रश्मिका के फैंस उनको अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मूवी जल्द ही रिलीज हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रैप स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा।